तो बेटा वेलकम टू द इवनिंग क्लास। वी हैव डन इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट असाइनमेंट एंड वी हैव डन सम टिपिकल क्वेश्चंस। वी हैव कंप्लीटेड दोस क्वेश्चंस, सो वी आर स्टार्टिंग असाइनमेंट टू। एंड आई विल प्रेफर कि आप बाद में वीडियो देखते हुए, ठीक है, इसको दोबारा ढंग से समझते हुए काम करें, राइट। उसके मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे कि आप दो बार कर लोगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो आप अपनी कॉपीज बंद रखें ताकि मैं आपकी स्पीड को भी फॉलो ना करूं, राइट। ये कहता है बॉडी इज ड्रॉप्ड। शुरू के 5-10 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। हमने एक बॉडी को एक टावर से ड्रॉप किया जिसकी हाइट कितनी है, और हम क्या देखते हैं कि वो बॉडी इतना डिस्टेंस पूरी हाइट का आखिरी 1 सेकंड में कवर करती है। बताओ वो कितना समय लेती है और कितनी हाइट से गिरी जाती है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो क्वेश्चन ये है बेटे कि एक टॉवर है जिसकी हाइट कितनी है, एच। मान लो टोटल टाइम गिरने का टी समय, और क्वेश्चन के अनुसार ये बॉडी पूरी हाइट का 9/25वां हिस्सा, आखिरी 1 सेकंड में कवर करती है। ये देख लो, ठीक है, 9/25वां हिस्सा आखिरी 1 सेकंड में कवर करती है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इस हाइट को लेकर और इस हाइट को लेकर, इसको लेकर सॉल्व नहीं। तो अगर मैं मान लूं कि टोटल हाइट एच है, वो तो खैर दे ही रखती है, टोटल टाइम टी है, तो ये बचा हुआ समय कितना हुआ? बचा हुआ समय कितना हुआ? और बची हुई हाइट कितनी हुई? ध्यान 3/20। रहे, बॉडी ड्रॉप है, बॉडी ड्रॉप्ड है, तो मेरा सीधा सीधा हाइट का फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वेयर बनता है। तो अब हम बनाएंगे इक्वेशंस। टोटल हाइट का फॉर्मूला क्या बना? हाफ जी टी स्क्वेयर, और मैंने क्या बोला है, ऊपर वाले पोर्शन के लिए लगाना, नीचे में ढूंढते रहे तो काम नहीं बनता। ये कितने समय में है? टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो एच कैंसल हो जाएगा, पहले और दूसरे को किसी को किसी से कर दो। मैंने फिलहाल पहले को दूसरे से किया है, आप दूसरे को पहले से कर सकते हो। अब रूट ले लो, मैथ में अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, यहां प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना। टाइम 5 सेकंड आएगा। देखो मैंने कहा था कि मैं नहीं कहता कि 5 सेकंड याद करो। प्लस माइनस क्यों नहीं लेना? आप सोचोगे माइनस लेने पे टाइम नेगेटिव आएगा, नहीं, माइनस लेने पे टाइम 1 सेकेंड से कम आएगा, आएगा पॉजिटिव, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम 1 सेकेंड से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो क्यों मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, फिर उसके बाद पूछिएगा। हमें दिया गया था एक बॉडी को एच हाइट से ड्रॉप किया, बॉडी ने आखिरी
एक सेकंड में, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आखिरी एक सेकंड में पूरी हाइट का 9/25 हिस्सा कवर किया, तो बची हुई हाइट कैसे निकलेगी? एच में से 9/25 घटा दो। अगर टोटल समय टी सेकेंड है तो एक सेकेंड, रिमेंबर कल 2 सेकेंड भी हो सकता है, तो फिर ऊपर वाला समय t-2 हो जाएगा। कल हो सकता है आधा सेकेंड दिया हो, अभी 1 सेकेंड। हाँ, अब नाज पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप? सर यार 9h/25 ऑफ द डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो 9/25 एच स्क्वायर नहीं होगा? नहीं नहीं बेटे, 9h/ हाँ यू कैन से दैट, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। बेसिकली इट कवर 9h/25 ड्यूरिंग लास्ट सेकंड। शी इज सेइंग के 9h/25 ऑफ टोटल डिस्टेंस है, तो 9h²/25 होना चाहिए। इट इज माई टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। इट वॉज बेटे 9h/25 ऑफ टोटल, तो इट शुड हैव बीन 9/25 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और 9h/25 इन लास्ट सेकेंड। सेम मिस्टेक आगे भी मिलेगी, रिकॉर्ड हो रही है बोलना, बट ठीक है, समझ आ गया। हम आगे बढ़। हाँ बोलो। सही डिस्प्लेसमेंट इन एनएच फॉर एनएच टाइम होता है, फॉर्मूला होता है। एक मिनट में ना जरा आपके डाउट्स को उस पे कर रहा हूँ, मैकबुक पे स्पीक। हाँ अब बोलो प्लीज। सर जो डिस्प्लेसमेंट इन एनएच टाइम का फॉर्मूला होता है उससे हो सकता है ये उससे नहीं होगा, क्यों? अगर मैं लास्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या बनेगा आपके हिसाब से? लास्ट सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? 9h/25, यू तो जीरो है, ठीक है, एक्सलरेशन जी के बराबर है, 2t-1, यस सर, और 2t-1 भी नहीं यूज होगा सर, यू जीरो थोड़ी ना होगा, यू तो होगा जो उस टाइम पे। नहीं 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 बेटा नहीं, ठीक है, हम ले रहे हैं, प्रॉब्लम यही है, आप यू जीरो ही होगा, बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और बॉडी ने लास्ट एक सेकंड में, मान लो वो nth सेकंड है, तो वो हमारा tth सेकंड बना। अगर बॉडी t सेकंड लेती है नीचे आने में तो वो tth सेकंड बना। अब प्रॉब्लम ये है बेटे, इस इक्वेशन में ना तो मुझे h पता है ना मुझे t पता है, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो s nth वाला बेटे यू वही लेते हैं जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है जिससे जर्नी स्टार्ट होती है, बॉडी वाज ड्रॉप। आई रिपीट, जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आप सोच रहे हो कि यहाँ वाली वेलोसिटी लेनी चाहिए, नहीं, जब हम nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो भी वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली लेते हैं, ठीक है, मगर दोनों ही केस में हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि एक ही इक्वेशन बनेगी। तो आपने अभी क्या सीखा है, अगर हमें लास्ट सेकंड में या लास्ट आधे सेकंड में या लास्ट 2 सेकंड में पूरी हाइट का हिस्सा दिया हो तो हम क्या करेंगे, अपन 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक टोटल हाइट का, एक उस आखिरी सेकंड या 2 सेकंड से पहले की हाइट, क्योंकि दोनों में यू जीरो होगा और दोनों को क्या करेगा, डिवाइड, डिवाइड करके टाइम को सॉल्व करेगा और फिर या तो पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन से एच। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि टाइम 5 सेकेंड आया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं बेटे, ठीक है, सेम गलती पॉइंट आउट नहीं करना। हाँ बोल, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। पिछले क्वेश्चन में हाइट 125 मीटर भी ले सकते हैं। हाँ वो आपकी मर्जी है, जी 10 लोगे तो 125 आ जाएगी, ठीक है। बाकी मैं तो एक ही बात कहूंगा बेटे, जब हमें पता है कि 5 सेकंड पे 122.5 आती है
हम 9.8 को 10 क्यों लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव में हम ये होप करते हैं कि हम 10 लेंगे, अगर आंसर 125 आ गया, 125 दे नहीं रखा तो 122.5 को टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब हमें पता ही है कि 5 सेकंड पे 122.5 है, 3 सेकंड पे 44.1 है, ठीक है, देन व्हाई वी शुड फिगरेटिवली यूज 125। अब क्या है बेटे, टोटल हाइट का 16h/25। तो अगर मैं बिना डायग्राम बनाए काम करूं तो टोटल हाइट बनेगी हाफ जी टी स्क्वायर में, और प्रीवियस क्या बनेगी 9h/25 कितने समय में, हाफ जी टी माइनस 1 होल स्क्वायर, डिवाइड कर लोगे, सॉल्व कर दोगे। हाँ लास्ट सेकेंड ले रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, बेटे आपके स्कूल्स के हिसाब से थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो टीचर है मैक्सिमम प्रदीप की बुक फॉलो करते हैं या एसएल अरोड़ा की बुक फॉलो करते हैं, और दोनों में जो क्वेश्चन है वो हाफ द हाइट का है, अगेन लास्ट सेकेंड। अब हाफ द हाइट में एक क्रूशियल बात पता क्या आ जाती है, हाफ द हाइट में क्रूशियल बात ये हो जाती है कि पहले वाली हाइट भी एच बाई टू है और बाद वाली हाइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच हाइट हैज बीन टेकन, टोटल हाइट एच, टोटल टाइम, ठीक है जी, बॉडी ने आखिरी एक सेकेंड में कितनी हाइट कवर की, एच बाई टू। लेकिन हम तो ये वाला हिस्सा यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला हिस्सा यूज करेंगे, तो एक बनाएंगे हम इसके हिसाब से, क्या इक्वेशन बन जाएगी इसी कलर से लिख देते हैं, फिर इससे बनाएंगे क्या बनेगी, और सानवी बताओ अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब प्रदीप में क्या किया हुआ है, जय महाराज, प्रदीप में क्या किया हुआ है, उसने प्लस माइनस लेकर टाइम सॉल्व किया हुआ है। अब आप खुद देख लो बेटे, रूट टू 1.414 होता है, तो 2 माइनस लोगे तो टाइम 1 सेकेंड से लेस आ जाएगा, तो प्रदीप की गलती है, ये हमें प्लस माइनस नहीं लेना, समझ आ गया। हाँ, पर बेटर ये रहेगा बेटे, एक सेकेंड ब्रैकेट, बेटर ये रहेगा, चलो अब हम ये ले लेते हैं कि जब हम हाइट निकाले ना तो 2 प्लस रूट 2 ना ले, तब क्या ले 3.14 ले, क्योंकि 3.14 का स्क्वायर करना हमारे लिए आसान, राइट और नॉट। मैं एक सेकेंड आया, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा, अब हम एच बाई टू क्लियर हो गया, अब हमारा है बेटे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, और सानवी इसको आप लास्ट सेकंड से कर सकते हो, बंद कर दिए, उस साइड कूद लिए होंगे, तू इधर पढ़ ले यार, पढ़ ले, मरना देता है मरना। ये कहता है, नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, अ बॉडी ड्रॉप From top of tower dropped, tower की height h, now body covers some value, इससे पहले fraction दी गई, अब क्या दी गई है, value, अभी भी last second है, height निकालनी है, time निकाल,
देखो बेटा, ये हमारा टावर हो गया, डन। टोटल हाइट हो गई, टोटल टाइम हो गया। आखिरी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस हो गया? 44.1 मीटर। और मान लो ये टाइम, ये डिस्टेंस एच डैश है, तो ये टाइम कितना होगा? अब भी हम यही काम करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे पूरी हाइट के लिए और एक इक्वेशन बनाएंगे पहले वाली हाइट। ध्यान रहे, पहले वाली हाइट भी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और अब हम इन दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एच माइनस एच डैश की वैल्यू दी गई और कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में है इसको हम ब्रैकेट ओपन ना करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए। ठीक है जी, तो ये 44.1 है, ये 9.8 डिवाइडेड बाय 2, ये 2t-1 आ जाएगा। 9.8 यूज क्यों किया? क्योंकि ये सीधा सीधा 9 से कटता है। तो अब मैं अगर सॉल्व करूंगा तो टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगी और 5 सेकेंड, रिमेम्बर, मैं ऑलरेडी 9.8 यूज कर चुका हूं। हाँ, सानवी, नार्स एटसेट्रा, इस क्वेश्चन को लास्ट 1 सेकेंड वाले से किया जा सकता। वो क्या था? एस एन एथ यू विच इज 0, a by 2 which is 4.9, 2n-1, 2t-1। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा, आई एम रिपीटिंग इट। आप कहोगे सर शॉर्टकट है, मेरी आदत है कि मैं एक जैसे क्वेश्चनों के लिए एक जैसा तरीका ही प्रेफर करता हूं। आई अवॉइड कि भाई तुम 4 अलग अलग क्वेश्चंस के लिए 4 अलग अलग मेथड फॉलो करो। समझ में आ गई बात? अब ये बात क्यों कही जा रही है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगी। सर, हाँ बेटा, सर अगर हम एच डैश को 44.1 लिख दें और फिर डिवाइड कर दें। मैं अभी नहीं, डिवाइड करोगे, ओए ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ओ भाई रुक जा, शेयर स्क्रीन, वेट कर रहा हूं बेटा मैं अभी जरा। हो गई बेटा, मैं अभी तेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, आई लीव दैट क्वेश्चन टू यू, ट्राई एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, इसको कहना है कि एच डैश की जगह एच माइनस 44.1 यूज कर लें। बेटे डिवाइड करोगे तो एच भी नहीं कटेगा और टी भी नहीं कटेगा। आप आगे बढ़ो, छठे सेकंड में आते हैं, छठे क्वेश्चन पे आते हैं और छठा क्वेश्चन कहता है 30 मीटर इन लास्ट 1/4 ऑफ अ सेकंड। मैं अब डायग्राम ही नहीं बना रहा,
भाई एच किसके बराबर हो गई, टोटल हाइट किसके बराबर हो गई, एच डैश किसके बराबर हो गया, हाफ जी टी माइनस ओवा 1/4। अब सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि एच माइनस एच डैश किसके बराबर दे रखा है, 30। आगे मेरा काम समझ में आ गए, ठीक है जी। इस पे आते हैं, बॉडी को फेंका, विजिबल नहीं है। अच्छा अब विजिबल है बेटा? यस सर। तो मैंने ये कहा था कि छठे क्वेश्चन में 30 मीटर जो है वो लास्ट 1/4 सेकंड में कवर हो रहा, तो एक इक्वेशन बनाएंगे हम टोटल हाइट के लिए और एक बनाएंगे उससे पहले वाली हाइट के लिए और फिर से सब्ट्रैक्ट कर। तो हमने दो कानून सीख लिए, एक अगर लास्ट सेकंड में हिस्सा दोगे तो हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे उधर मत दो, इक्वेशन बनाएंगे हम टोटल और पहले वाली हाइट, और अगर आप लास्ट सेकंड में वैल्यू दोगे तब भी हम दो इक्वेशन बनाएंगे लेकिन उन्हें सब्ट्रैक्ट कर। समझ में आ गई? अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बॉडी ड्रॉप डी, लास्ट सेकंड में मैं 7x डिस्टेंस कवर कर, वेयर x इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है, x इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, मैं लास्ट सेकंड में ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा टावर हुआ, हो गया, मैं लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, 7x, वेयर x इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, एंड वचित व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, जी अगर मैं चलो 10 ले लेता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर कितना बना, 5 मीटर, तो ये कितना बना, 9.8 ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन वही बन गया, टोटल हाइट हाफ जी टी स्क्वायर, पहले वाली हाइट हाफ जी टी माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ पहले वाली मतलब यहां से लेकर यहां, अब तो हमें आदत ही हो जानी चाहिए ना, ये एच कॉमा टी और ये एच डैश टी माइनस वन, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना था 7x यानी कि 35, जी बाय टू कॉमन ले लो, राइट, जितना हो सके, अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो लास्ट सेकंड ले लो, लेकिन मैं लास्ट सेकंड इसलिए प्रेफर नहीं करता कि कभी हमें लास्ट सेकंड दिया होगा, कभी लास्ट 1/4 दे रखा होगा, कभी लास्ट 1.5 सेकंड दिया होगा, सो द चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है, पेपर तुमने देना है तो तुम्हें चूज कर सकते हो, ओनली इफ हम nth सेकंड कब यूज कर सकते हैं, ओनली इफ हमें आखिरी 1 सेकंड में 1 सेकंड में वैल्यू दे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं, 50 मीटर लास्ट 2 सेकंड, तो टोटल हाइट कितनी हुई,
और टोटल टाइम कितना हुआ, एच डैश कितना हुआ, हाफ जी टी माइनस टू का होल स्क्वायर, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे करने दे यार अर्शिया प्लीज, बिल्लों को अपना काम करने दे, हम अपना काम। ठीक है जी, ये पांच हो गया। इसको करोगे तो पहले टू टी माइनस टू ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी करोगे तो टू। ठीक है, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। यार अब ये वाली बातें भी बतानी थी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और था, मैं भूल गया, फोर्थ फिफ्थ लास्ट सेकंड 30 मीटर 1/4 50 मीटर। अच्छा ठीक है, यही था। इसकी हाइट ना अप्रोक्सीमेटली 720 या 730 के बीच में आए। ठीक है, हाँ नहीं मतलब जो भी आए, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन जब आप करोगे तो इसी के बीच में कोई आंसर आए। अब ये थोड़ी अच्छी क्वेश्चन, एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल करने का मतलब क्या है, वो पहले एक पॉइंट को क्रॉस करती है और इतने समय के बाद, फ्रीली फॉल करने का मतलब है छत से गिर रही है, जीरो, जहां गिरना शुरू होगी फ्रीली फॉल में, जहां से गिरना शुरू होगी वो जीरो होगी, लेकिन थ्रू आउट द मोशन जीरो नहीं रहेगी। आप कहो कि मैं यहां ऑब्जर्व कर रहा हूं तो जीरो नहीं होगी। ठीक है, कहीं से तो ड्रॉप होगी ना, वो हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि आप इक्वेशन कहाँ के लिए लगा रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट से लगा रहे हो तो यू जीरो है। अब तक हम इस लास्ट वाले पॉइंट को क्यों बचाते रहे, क्योंकि यहाँ यू जीरो नहीं है, वी निकालना पड़ता है। हम उसी मुसीबत से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है जी, स्टार्टिंग से लिखते हैं, वो हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। तो एक बॉडी पता नहीं कहां से आ रही है, राइट, फ्रीली फॉल कर रही है और 0.5 सेकंड एक पॉइंट को क्रॉस करती है और 0.5 सेकंड बाद वो बी पॉइंट को क्रॉस करती है। ए और बी कितनी दूरी पर है, 19.6 मीटर। बताओ किस पॉइंट से बॉडी को छोड़ा गया था। अब हो गया यू जीरो, क्योंकि जहां से छोड़ा गया था, वैसे तो बेटे इतना लंबी हाइट का कोई होता है, लेकिन मान लेते हैं कि एक बंदा है, एंड आई लव इमेजिनिंग माई सेल्फ, जिसकी हाइट कितनी है, मुझे ये मेरा सर है ए और ये मेरे पैर बी, ठीक से बात, ठीक है जी, ये हाँ पूरी बिल्डिंग भी नहीं होती, क्योंकि लेंटर डलता है 5 मीटर पे, 5 मीटर भी नहीं 4 मीटर, ये 5 मंजिला ना रहे। ठीक है, तो बॉडी इस पॉइंट को क्रॉस करती है, अंडरस्टूड है, रेस्ट से क्रॉस नहीं करेगी, और 0.5 सेकंड बाद मेरे पैरों से टकराती है। बताओ बॉडी को कहां से ड्रॉप किया गया। क्या आपको लगता नहीं कि ये डायग्राम कुछ कुछ पिछले क्वेश्चनों जैसी ही है। अगर मैं टोटल हाइट एच मान लू, इसको एच डैश मान लू, तो एच माइनस एच डैश कितना है, 19.6 मीटर, और एच डैश कितने समय में है, टी माइनस 0.5, और एच कितने समय में है, टी। अब वो ऑप्शन में चेक कर लेना कि आंसर ए से दिया हुआ है, मतलब
एच डैश आंसर है या एच आंसर? बॉडी कहां से ड्रॉप की गई है वो मैं ए से भी पूछ सकता हूं, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसमें शायद आंसर दे रखा है, उसमें शायद ए से। लो ये लो, एक बॉडी ए पॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है जी, एक सेकंड बाद बी पॉइंट को क्रॉस करती है, एक सेकंड बाद इस क्वेश्चन में, ठीक है, ए और बी के बीच में इतना डिस्टेंस है, बताओ किस साइड से बॉडी को टच कर। अब क्या दिया हुआ है, 0.5 सेकंड में ए से बी पहुंचती है, ए से बी 19.6 है। अब पता है क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है अगर आप इंडिपेंडेंट सोचो, ये मैंने कनेक्ट कर दिया तो लग रहा है ले ये तो आसान है। अच्छा इसी क्वेश्चन को ना मैं बोलता हूं विंडो प्रॉब्लम, विंडो बोले तो खिड़की, तुम खिड़की पे खड़े हो, यू समझ लो कि तुम वो कांच वाले मकानों में खड़े हो, जैसे विनायक कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस था, ठीक है जी, तुमने ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को गिरते देखा तो तुम्हें तो खिड़की वाला पोर्शन ही दिखाई देगा, वो कहेंगे कि जी वो 1.5 मीटर की खिड़की 0.1 सेकंड में क्रॉस हुई, बताओ बॉडी कहां से गिरी गई, तो बात तो वही है। अब 1.5 मीटर है, 0.1 सेकंड है, या जो भी हाइट है, तब भी हमें 19.6 दे सकते हैं, समझ आ गया, क्लियर, गुड। अब आ जाता है 9th क्वेश्चन, इस टाइप के हैं 3 क्वेश्चन टोटल, एक मैंने अभी दे रखा इस असाइनमेंट में, समय आने पर सेकेंड और थर्ड भी ढूंढेंगे, बता मैं अभी दूंगा। एक जगलर है, जगलर तो समझते हो, बॉल्स को टक 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 या बॉटल्स को, मैंने बीवियों पे ट्राई किया था, हुआ नहीं, दूसरी मिली है, एक को जगल कर नहीं सकते, ठीक है जी, तो एक पर्सन जो है वो 2 बॉल्स के साथ जगल कर, बताओ, हाँ 2 बॉल, चलो अभी वो होगा एमएचओ, ठीक है जी, मैं तो पता नहीं टैलेंटेड आदमी, सपनों में तो मैंने 20-20 बॉल में से किया होगा। अब ये कह रहा है कि एक पर्सन 2 बॉल के साथ जगलिंग कर, नेचुरली 1 आफ्टर द अदर, ये कह रहा है कि वो सेकंड बॉल तब फेंकता है जब फर्स्ट बॉल कहां होगी, हाईएस्ट बॉल, ये चेक करना जरूरी। अब सोचो वैसे तो सब स्ट्रेट लाइन, देखो अगर सेकंड बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो मैं नेक्स्ट बॉल फेंकने को तैयार हूं, अंडरस्टूड है कि पहली बॉल मेरी जमीन पे आ रही होगी, मेरे हाथ में वापस आ रही होगी, क्योंकि 2 ही बॉल है, करेक्ट, सेकेंड बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर होगी और थर्ड बॉल मैं फेंकने को तैयार हूं, राजा जी और स्टॉप शेयर मत कर दिया, ओके इतनी ब्राइटनेस से कौन, हाँ एक पर्सन है भाई मेरे, एक पर्सन है वो एक के बाद एक बॉल को फेंक रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड बॉल कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट पर, सर फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पे है, अरे यार पहले तो यहाँ पे ना दोनों कैट आपस में जगल कर रही हैं, एक लैपटॉप पे आती है फिर वो जाती है तो दूसरा जाता है तो दूसरा कैट आ जाता है, और एग्जैक्ट 1 सेकंड के बाद ही आ गया, अभी दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठे हैं, अभी जगल नहीं हो रहे, मेरा बच्चा कैसे भी सोच ले जगल कर रहे हो तो जगलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस,
ठीक है, फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो सेकंड हाथ में है, जब फर्स्ट हाथ में आएगी तो सेकंड, तो लेट मी कॉल देम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट बॉल, ऑल्दो आई हैव टू बॉल्स, वेयर इज माय फर्स्ट बॉल? ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं जब मेरी फर्स्ट बॉल वापस आएगी तो सेकंड बॉल कहां पर होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर, और थर्ड कहां पर होगी? मैं फेंकने को तैयार हूं। Now, Naz, it is clear? Sure. Sir, third ball, first ball की तरह act कर लिया ना? हाँ हाँ. Third ball is first ball. ठीक है जी? अच्छा, एक और बात, जो ऊपर जाने का समय होता है वही नीचे आने का समय होता है। हम कितने सेकंड में बॉल फेंक रहे हैं? यहाँ कहीं लिखा हुआ था, इफ ही इज थ्रोइंग एवरी सेकंड, हर एक सेकंड बाद बॉल फेंकी जा रही है, इसका मतलब ऊपर जाने का समय कितना है, नीचे आने का समय कितना है? पक्का? मैं इस पूरी डायग्राम को थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर रहा हूं। बेटे किस वेलोसिटी से फेंका, क्या वो पता है? नहीं पता, तो इसलिए हम डाउनवर्ड मोशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। H इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैसे तो मैं 9.8 भी ले सकता था, कैलकुलेशन वॉज नॉट डिफिकल्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, सेकेंड बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, वो एक ही बात है नाज, तुम कैसे भी कह लो, सेकेंड बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे, मैं थर्ड फेंक रहा हूं या फर्स्ट फेंक रहा हूं, या फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पे, मैं सेकेंड फेंक रहा हूं, बिकॉज फर्स्ट बिकम सेकेंड, सेकेंड बिकम फर्स्ट, नंबर कुछ भी थे। थिंग इज, बॉल एक सेकेंड में ऊपर जा रही है, एक सेकेंड में नीचे जा रही है। जगलिंग वाले क्वेश्चनों में आपको कुछ भी करके सिंगल बॉल पे कंसंट्रेट करना है। देखो जिस वेलोसिटी से जाएगी उसी से आएगी। मैं आपको एक बात बता दूं बेटे, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ x वेलोसिटी है तो यहाँ भी x है, यहाँ पर तो जीरो है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर तो जीरो है ना। ये बात हमेशा याद रखो, अगर डिस्टेंस मांगा है तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, डिस्टेंस बराबर है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने जगह छोड़ी थी, यस ये क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन ये है कि मैंने एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंक, टी अपवर्ड टी है, ठीक है जी, ऊपर जाने का समय कितना है? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन। अच्छा पहले तो मैं जगलिंग वाली बात बता दूं, जगलिंग में तीन क्वेश्चन आते, एक तो दो बॉल, एक चार बॉल और एक एन बॉल। आपको कुछ भी करके ये पता लगाना होता है कि पहली बॉल के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब जब ये आप मोशन मान रहे हो ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ये आपके लिए एक ही बॉल की मोशन, एक बॉल को फेंका, वो एक सेकंड बाद ऊपर गई, एक सेकंड बाद नीचे आई। जब आप एक बॉल की पूरी जानकारी ले लोगे, उसकी पूरी कुंडली खोल लोगे, तब आप बची हुई कुंडली खोल सकते। जगलिंग में अगर आप तीनों बॉलों में उलझे रहे, उनको सेपरेट आउट करके नहीं देख पाए, तो समझ लो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जब चार बॉल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, पहली यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड कहीं तो होगी, फोर्थ कहीं तो होगी। आप कुछ भी करके सिर्फ पहली वाली बॉल पे कंसंट्रेट करो, दिमाग में इमेज बनाओ चार बॉल की। ठीक है जी, जब पहली वाली टकरा रही है चौथी वाली, मतलब फर्स्ट बॉल जमीन पे टकरा रही है, और कौन सी बॉल तुम फेंक रहे हो। अब ये जो पहली और लास्ट बॉल के बीच का समय है, ये एक्चुअल में पहली और लास्ट, पहली के जमीन पे टकराने
और लास्ट बॉल के फेंके जाने के बीच का जो समय वो एक्चुअल में फर्स्ट बॉल की टोटल जर्नी का समय और उसका आधा समय नीचे आने का है और उस नीचे आने के समय से ही हाइट निकाली। बात समझ में आ गई, फर्स्ट एंड लास्ट बॉल। लेकिन इसमें फर्स्ट बॉल जब जमीन पे आ रही और लास्ट बॉल जब आप फेंक रहे, इस केस में वो टाइम 2 सेकंड के बराबर है। हाँ, पहली बॉल की टोटल, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक वो हवा में रहे। 1 सेकंड तो ऊपर जाने का समय है ना, 1 सेकंड नीचे भी आएगी तो 2 सेकंड। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगाओ। अब ये तो 2 बॉल सी इजीली पता चल गया, 4 होंगी वो आपको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। आप बस इतना पता लगाओ कि भैया अगर हर 2 सेकंड बाद बॉल फेंक रहे हो और 4 बॉल चौथी आप फेंकने को तैयार हो, तो इसका मतलब आप 1 फेंक चुके, 2 सेकंड हो गया, फिर दूसरी फेंक चुके, मतलब ये 2 सेकंड बाद आपने दूसरी फेंकी, फिर टोटल 4 सेकंड बाद तीसरी फेंकी, अब फिर 6 सेकंड बाद चौथी फेंकने वाले, तो कैपिटल टी हो गया 6 सेकंड, उसका आधा कर दो 3 सेकंड, अब 3 सेकंड के हिसाब से डाउनवर्ड हाइट निकाल लो। कीप योर माइंड बिल्कुल काम, ट्राई टू सम समय 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 समय। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर जाने का समय कितना है, क्या वेलोसिटी दे रखी है, नहीं दे। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। बड़ा अजीब क्वेश्चन है। कहता जी मैंने बॉल को ऊपर फेंका, एक तो ये टेंशन हो रही है कि जब से क्लास स्टार्ट हुई है ये 1 सेकंड ही खत्म नहीं हो रहा, मेरे को तो लेक्चर का नाम ही 1 सेकंड लेक्चर कर देना चाहिए, टुडे लेक्चर विल बी ऑफ 1 सेकंड। हमने एक बॉल को फेंका, बॉल टी समय ली ऊपर जाने में, आखिरी अपनी जर्नी के आखिरी 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर दे। अगर हम ऊपर जाते हुए देखेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, नीचे आते हुए देखो। मैं 1 सेकंड में जितना, क्योंकि बेटे टाइम ऊपर जाने का और नीचे जाने का सेम होता है, एज सीन फ्रॉम हियर, क्योंकि बेटे यहां पर मुझे 9.8 की रिटार्डेशन मिल रही है और यहां पर एग्जैक्ट 9.8 की एक्सीलरेशन मिल रही है। तो मोशन को डाउनवर्ड जर्नी के हिसाब से देखो, ठीक है जी, क्योंकि हमें ये वेलोसिटी नहीं पता। तो ये कितना हो गया, यू जीरो हाफ जी टी स्क्वायर, लिखना नहीं। अब सेम क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट में ही है, अंडरस्टूड है मैडम, 9 बजे तक क्लास हो, उसके बाद लड़ूंगा तेरे से, फिर सवाल उठाऊंगा। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट, बस लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ये नोट्स में है। चुप करेगी, बोलना नहीं है अनलेस यू हैव अ डाउट। अपवर्ड क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा, आपके क्वेश्चन में ना काउंटिंग गड़बड़ है, उसको ठीक कर लेना असाइनमेंट में, क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट ये पावर पॉइंट बना रहा हूँ वो करेक्ट काउंटिंग से बना रहा हूँ। Find distance covered in last t second of its. तो बेटे आंसर क्या होगा, required distance is
डिस्टेंस इन इन फर्स्ट टी सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी. 1 सेकंड थोड़ी ना दिया आप हमारे को. इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. समझ में आ गई? क्लियर. अब ऐसे ही क्वेश्चन लो. एक बॉडी है थ्रोन अप नहीं थ्रोन अप ठीक है राइट क्योंकि अप वाले की इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता कि नहीं. हाँ राइट. अब गोज टू हाइट एच फाइंड इट्स हाइट 1 सेकेंड बिफोर अपवर्ड जर्नी. अब फिर वही बात आ जाती है. अब आपको क्या कहा गया कि आप 1 सेकेंड पहले कहाँ थे. मैं 1 सेकेंड में नीचे कितना उतरता हूँ 5 मीटर. तो इसका मतलब मैं टोटल हाइट में से 5 मीटर कम हूं. और अगर मुझसे कहा जाता टी सेकेंड तो मैं टोटल हाइट से हाफ की टी स्क्वायर कम हूं. ये सब क्वेश्चन है ठीक है कि नहीं. और हम कॉम्प्लिकेट होते रहते. दोबारा समझो. अब जो मैं चीज समझाना चाहता हूं उसको समझो. यानी मैं क्या कह रहा हूं मैं मोशन में हूं. यहां पर मोशन है या नहीं बोलो हाँ या ना. है यहां वेलोसिटी मतलब मोशन का मतलब वेलोसिटी है. एक्सलरेशन किसके बराबर है जी के बराबर. थ्रू आउट सेम है माइनस जी मान ले. हम तो वैल्यू की बात कर रहे हैं. एक्सलरेशन जी है. अब मैं डांट भी दूंगा अगर तूने ये कहा कि कांस्टेंट नहीं है. नहीं कांस्टेंट क्यों है ये बता. क्योंकि 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 जब ऊपर जा रही है तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड है. एक्सेशन डाउनवर्ड है. जब नीचे आएगी तब भी एक्सेशन डाउनवर्ड है. एक्सेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. प्लस माइनस तो तुम्हारे दिमाग का खेल है ना. वो तो तुम्हारे दिमाग का रोल है प्लस माइनस. एक्सेशन तो कॉन्स्टेंट है. अब दिमाग लगाओ बेटे. अगर ये 5 सेकंड में ऊपर जाएगी बी पॉइंट पर तो बताओ नेक्स्ट 5 सेकंड में ए ही पॉइंट पर मिलेगी. अगर ये 39 मीटर है तो बताओ ये कितना है. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि बॉडी मूव कर रही है नंबर वन. नंबर टू एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट है. नंबर तीन इट कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड. नंबर फोर सब रैंडम डाटा कवर्स 39 मीटर. हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड. रिपीट बॉडी मोशन में है. मोशन में है. एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट है. बॉडी 5 सेकंड लेती है 39 मीटर कवर करती है रेस्ट पे आने में. बेटे रेस्ट पे आके रुकेगी नहीं क्योंकि एक्सेशन अभी भी लग रही है. बताओ अगले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 39 मीटर. सर हाँ बोल बेटा. सर अगर जिस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर रहे हैं वो गिवन होती तो अपवर्ड जर्नी से हो जाता सॉल्व. अगर हम किस वेलोसिटी से कर रहे हैं. हाँ अभी मैं आपको सवाल ही बताता हूँ बेटे फिर आप बताओ. सर
जिस होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रीड 15 क्वेश्चन प्लीज. अ बॉडी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. मेरे बच्चे क्वेश्चन क्यों देगा आपको वेलोसिटी, क्यों देगा आपको वेलोसिटी? क्योंकि क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक है. पेपर को क्या बोलते हैं, या तो क्वेश्चन पेपर बोलते हैं या फिर टेस्ट पेपर बोलते हैं. क्वेश्चन का पर्पज है आपको टेस्ट करना. अब आप कहो कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वैल्यू मिल जाए, फिर तो टेस्ट का लॉजिक ही खत्म हो जाता है, राइट? जैसे अब की बात टोक्यो ओलंपिक्स हुई, इसमें ना कई रिकॉर्ड टूटे, कई रिकॉर्ड टूटे, खासकर 100 मीटर के, 150 मीटर रेस के, एथलेटिक्स में. तो जो बोल रहे थे कमेंटेटर, बात भी हुई कि ऐसे कैसे इतने रिकॉर्ड टूटने लग गए. इट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी. जो ट्रैक है, सिंथेटिक ट्रैक है, वो अच्छी क्वालिटी के हो गए. दौड़ने वाले शूज जो है वो अच्छी क्वालिटी के हो गए, ग्रिप वाले हो गए. तो फिर ये डिस्कशन, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा कि शुड शूज बी बैंड, शुड स्पेसिफिक शूज बी बैंड. व्हाई? कंपटीशन इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, all about providing best infrastructure. समझ में आ गई बात? जैसे हमारे वही जो गोल्ड मेडलिस्ट थे जेवलिन वाले, कौन थे? नीरज चोपड़ा. तो हर कंट्री वाले अपना ही जेवलिन क्यों लाते हैं? सोच के देखो, जेवलिन को लेके कैसे गए होंगे एरोप्लेन में खाते, अपने ही जेवलिन क्यों लेके जाते? Why the Olympics वाले अपने अपना जेवलिन, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, एक छोटा सा वीडियो पोस्ट हुआ था नीरज चोपड़ा के थ्रो से जस्ट पहले, पाकिस्तानी प्लेयर जेवलिन वाला वो चेक कर रहा था उसका जेवलिन, तो वह लोग शुरू हो गए थे. पर ऐसा कुछ नहीं था, इट्स अ कस्टमरी, लोग दूसरों के जेवलिन चेक करते, क्योंकि जेवलिन में वेट का बैलेंस सब कुछ राइट अलग अलग होता है. And that decides कि वो air friction के अंदर कैसे जाएगा. It never goes in a straight trajectory. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? So everybody checks. हर कोई एक दूसरे का चेक करता है. शूज चेक करते हैं दौड़ने वाले. तो उन्होंने कहा भाई शूज तो पार्ट ऑफ अब बैट है, अब क्या बैट को भी तुम फिक्स कर दोगे? समझ में आ गई? भाई तुंगली 4 डिग्री ज्यादा घुमाते, तेरी बॉल स्पिन ज्यादा होती है, अब निकली. You can't do that, na? So okay, best. So don't expect convenience. क्योंकि हमें accession दी जाएगी. Look at this question. It is not giving me anything. Other than that, body is moving, right? Have constant acceleration. ये property है जो हमें याद रखनी है. 39 meter cover करती है rest पे आने के लिए. Rest पे आना जरूरी है. 5 seconds लेती है. Next 5 seconds का होना जरूरी है. आपको जी नेक्स्ट 7 सेकेंड आ जाए, आ सकता है, मगर अभी नहीं आएगा. क्लियर? 16th मैंने डाला नहीं हुआ. 16th क्वेश्चन भी सेम है, उसमें 39 की जगह 100 मीटर दे रखा है. मान लो 10 सेकेंड दे रखे हैं, 5 सेकेंड दे रखे हैं, समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, वापसी का समय भी उतना ही होगा. सोनू एक मिनट आओ, इन दोनों को बाहर निकालो, उनको साइना का ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है, इनको बाहर निकाल दो. चलो बाहर. वाह 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 वाह, ताली बजाओ सारे. तो बार बार उनकी तरफ देख रही है, अब ये तो रह गया, तो ध्यान ही आधी बार बिल्लियों की तरफ. तो बहन भाई उसके बाद भी तेरा उधर है ब्रो. 16 क्वेश्चन 100 मीटर, एंड वंस अगेन वेलोसिटी इज नॉट गिवन. हाँ, जैसे तुम कह रहे हो, अगर दी जाएगी तो मैनेज कर लेंगे सर. हाँ सर, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ऊपर, तो वो उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा? यस, provided we have thrown it vertically upward. जब मैं projectile करवाऊंगा,
तब अगर आप 10 से थ्रो करते हो 30 डिग्री पे, तो वो 10 से ही वापस आएगी 30 डिग्री पे, अगेन एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एयर फ्रिक्शन. अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी नहीं बोल सकता, यहाँ मुझे स्पीड बोलनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है. सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन इट अराइव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी बट स्पीड इज सेम. एट सेम लेवल स्पीड इज ऑलवेज सेम. Even in 1D motion, sorry, we are wrong. हमने गलत बोल दिया कि हम same velocity से आए. We are coming back with opposite velocity. The speed is same at same point. Velocity is turned by 180 degree. करेगा? बेटे जिस speed से जाएगी उसी speed से आएगी. आप एक काम कर लो, तुम्हारी बात सुन, यू टेक अ न्यूमेरिकल. जी मैंने 20 से फेंकी है, बताओ ये कितने से वापस आएगी. आपको दो काम करो, ठीक है, दो में से एक काम करो. पहले ऊपर जाने में कितना समय लगेगा वो निकालिए. कैसे निकालोगे? अरे एक सेकेंड, मैं थोड़ा शांत रहोगे, ठीक है. पहले ऊपर जाने का समय निकाल लो. V कितना है? 0. U कितना है? 20. एक्सेलरेशन कितनी है? 10. कितना समय लगा? अब नीचे आने का भी समय इतना है. V इक्वल टू U प्लस 80. अब स्टार्ट कितने से कर रहे हो? एक्सेलरेशन कितनी है? टाइम कितना है? कितने से वापस आए? 20 से फेंका था, 20 से आ गए. ऊपर भी 2gh अंडर रूट से कैलकुलेशन होती है, नीचे भी 2gh अंडर रूट से कैलकुलेशन होती है. दोनों मोशन रेट्रोस्पेक्टिव है. इतना बड़ा मैंने अंग्रेजी का शब्द बोल दिया, मुझे भी मिली नहीं पता. हाँ जी, अब आ जाते हैं बेटे हम 10th क्वेश्चन पे. 8:40 हुए हैं. शुड वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन? ओके, वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन. यार तुम कितना टेंशन ले लो भाई, गुड भाई. मैं कोई जगलर हूँ बताओ, न्यूमेरिकली यही मान, ठीक है. असायरा जगल ही कर, और तू बचपन से बहुत हो रही है पैशनेट कि मेरे को ये करना है तो मैं करूंगी, ठीक है. मम्मी की बहुत सारी नेल पॉलिश लिपस्टिक पड़ी है, उनके साथ जगल कर करके देखती हूँ, ठीक. नहीं तो मैंने बर्थडे पे के वो कप्स बांटे थे, वो मिला ही नहीं, तो इमेजिन करना है ना. मैं 10th कल पे छोड़ रहा हूँ. नंबर नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज केड़ा है. 18th क्वेश्चन देखा. A body starts from rest with constant acceleration, covers a distance x in time t. How much distance in next time t? Okay. But एक रूल है. रूल क्या है? अगर आप रेस्ट से स्टार्ट करो, ध्यान रहे हर कंडीशन मैच करनी चाहिए. 39 मीटर वाले में मोशन से स्टार्ट करो, और उस 39 मीटर वाले को याद रखना है. क्यों याद रखना है? जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा कभी भी दोबारा, और तुम मेरे पास पोथी लेकर आओगे, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तब मैं बोलूंगा बेटे ये 39 मीटर वाला क्वेश्चन, अपने आप समझना. समझे? हर क्वेश्चन की एक आइडेंटिटी होती है. हमने उस 39 मीटर वाले क्वेश्चन को आइडेंटिटी बनाकर समझाया, या समझाने के बाद आइडेंटिटी बना लिया. अब ये हमारा क्वेश्चन एक आइडेंटिटी है. इसके लिए पहली शर्त क्या है अर्शिया? कि हमें रेस्ट पे स्टार्ट हो. दूसरी शर्त क्या है?
कि एक्सलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरी, अगर मैं पहले टी सेकंड में एक्स डिस्टेंस कवर करता हूं, तो ठीक अगले टी सेकंड में 3x करूंगा, ये बीच वाला टाइम है, टोटल 4x हो जाएगा। अगले टी सेकंड में 5x करूंगा, यानी डिस्टेंस किस रेशियो में होंगे, बस ये याद रखना, ये हैं सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स। मैं इंटरवल्स के बीच का डिस्टेंस ले रहा हूं, अब मैं टोटल डिस्टेंस नहीं ले रहा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, नहीं ये मैंने कुछ नहीं बोला, ये स्ट्रेट लाइन के लिए भी वैलिड है, स्ट्रेट लाइन मतलब सड़क के लिए भी वैलिड है। हाँ, यानी अगर छत से गिरो, नीचे से मत फेंको, नीचे से फेंकोगे तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, छत से गिरो, पहले टी समय में तू 10 मीटर गिरेगी तो अगले टी समय में तू 10 × 3 = 30 मीटर गिरेगी, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल कितना है। आई रिपीट, मान लो पहले एक सेकंड में 5 मीटर होता है ना, तो अगले एक सेकंड में 15 मीटर होगा, उससे अगले एक सेकंड में 25 मीटर होगा, इंटरवल इक्वल होना चाहिए, चाहे वो 1 सेकंड का हो, चाहे वो 10 सेकंड का हो, चाहे 1 घंटे का हो। अगर मैं पहले 1 घंटे में x मीटर कवर कर रहा हूं तो अगले 1 घंटे में 3x करूंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, रेस्ट से स्टार्ट हुई, लिखा हुआ फ्रीली फॉलिंग है तो एक्सलेशन कांस्टेंट हुई, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth सेकंड आर प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इस पे आता हूँ, आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, राइट। हम ए से स्टार्ट हुए, यू कितनी है, टी समय पर हम बी पर पहुंचे, ये डिस्टेंस कितना है, और सी समय पर हम, मतलब 2t समय पर हम सी पर पहुंचे, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, वाई हमें दिखा, तो पहले हम ए बी के लिए निकालेंगे, ए बी किसके बराबर है, यू जीरो है, ए को जी तो नहीं ले सकते। अब हम ए सी के लिए निकालेंगे, मित्रा ए सी क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, बी सी क्यों नहीं लिया, बी पे वेलोसिटी है, वो हमें निकालनी पड़ेगी, काम तो एसी के लिए लेता हूं तो डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, तो 4x तो आप बोल रहे हो ना डायरेक्ट, ठीक है, और टाइम कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मैं अलग ले लेता हूं, तो ये 4x हो गया, रिमेंबर दिस इज x, तो y कितना हो गया, एक मजेदार बात बताता हूं आपको, अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो मेरी गलती है। बुलेट वाला क्वेश्चन क्या था, कि एक ब्लॉक है, यहां से बुलेट आ रही है, वेलोसिटी आधी रह गई 3 सेंटीमीटर के अंदर, कितना डिस्टेंस और कवर करेगी रेस्ट पे आने से पहले, 1 सेंटीमीटर था, 1/3, ठीक है, ये उल्टा है, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, ठीक है, एनीवे, बट आई एम जस्ट वैसे एक कनेक्शन बता रहा था, हाँ है, तो वहां पर तो हम एक सेकंड मैक्स के आगे, मेरे बच्चे वो रेस्ट से स्टार्ट थोड़ी ना है, तो यू से तो रेस्ट स्टार्ट है ना, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो, ये तो दिया मैंने आपको ऑड नंबर्स, ऊपर से स्टार्ट करोगे, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो पहले टी समय में अगर एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो अगले टी समय में 3x करोगे, रेशो ऑड नंबर आएगी आराम से, ब्रीद इन ब्रीद आउट।
एंशियस मत हो, ठीक है? ये ऊपर से नीचे से राज कपूर का गाना है, सर्कस है, या ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी आना जाना पड़ता है। तो अगर ऊपर जा रही होती तो ना मुझे ऊपर जाने के लिए बैठना पड़ेगा। अगर मतलब फर्स्ट सेकंड में एक्स ऊपर लाके एक्स लाइक भी हो जाएगा अगले यू ट्राई। नहीं नहीं, क्योंकि आप सोचो बेटे, मैंने सिर्फ बुलेट की कहानी समझाई है, कायदे से तो एक्स, थ्री एक्स, फाइव एक्स, अब कहां से शुरू कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, राइट? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पहला पॉइंट मिल गया बेटे। मैंने आपके लिए एक हेल्प कर रखी है, ये सेम टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे, तो अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है? ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये मेरे एक टाइप के क्वेश्चन। अभी क्या हो रहा है, चीजें जंबल अप हो रही, अब हमारे माइंड में चीजें जगल हो गई, ठीक है? जब तुम दोबारा लिखोगे तो वो रिलैक्स वे में लिखो, क्योंकि शुरू में हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, बॉडी ड्रॉप की है आखिरी एक सेकंड में, तो वो एक अलग कैटेगरी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ गई, 39 मीटर वाली, उस पर दो ही क्वेश्चन है, 39 और 100, जगलिंग वाला एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया। अब हम इस पे आ गए, ऑड मल्टीपल वाले, ठीक है? एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्सेशन है, कांस्टेंट मैच कर रहा है, डिस्टेंस एस वन कवर करता है टी समय में, इट कंटिन्यू टू मूव विद सेम एक्सेलरेशन, कवर एस टू इन नेक्स्ट टाइम इंटरवल टी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? अगर एस वन एक्स है तो S2 कितना होगा? Yes. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट में ऑप्शंस दे रखी हैं, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। अपने दिमाग से ना ये बातें निकाल दो, ऊपर से फेंके नीचे से फेंके, तो तुम अपने आप अपने माइंड को करप्ट कर रहे हो। सिस्टम हैंग पता क्यों होता है, जब हम बहुत सारी एप्लीकेशन खोल दें, माइक्रोसेसर को समझ ही नहीं आता कि मैं किसका डाटा कहाँ भेजू, मम्मी कहिए पानी पिला दो, अच्छा चलो दूध पिला दो, नहीं बेटा पहले पानी लिया फिर दूध लिया, ऐसा नहीं पहले दूध लिया फिर पानी लिया, तो मैं वहीं बैठ गया बाढ़ में, जाओ मैं हैंग हो गई, शट डाउन, ठीक है? तो फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ना मतलब इंजीनियरिंग का रूल है, अगर कोई डिवाइस काम नहीं कर रही, और ये रूल हमेशा काम करता है, शट डाउन कर दो चीज को, 30 तक काउंट करो, रीस्टार्ट करो, तो चले। अब उस दिन 12th में वो पेन भाग रहा था ना, मैंने क्लास के बाद क्या किया था, इसको शट डाउन किया, ऑन किया, प्रॉब्लम सॉल्व, बैटरी वॉज हीटिंग अप, ठीक है जी, महीने हो गए थे इसको ऑफ किए। अब आ जाओ बेटा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम, ये तो मैं पहले से पता सर आप यही काम करते, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन यहां देखो कवर एस वन इन थर्ड सेकंड, एस टू इन, बेटे रूल क्या है, एक का, तीन का, पांच का, बेटे ऐसे तो हम रट्टे मारने पे आ जाएंगे, 2n-1, ये तो हम कर सकते थे, थर्ड वाला ये हो गया, फिर 7 का, फिर 9 का, बेटे 1 डालूंगा तो 2 × 1 - 1 आएगा ना, तो एस वन जो है वो थर्ड सेकंड है, तो 2 × 3 - 1 = 5 था ना थर्ड, और एस टू जो है वो फिफ्थ सेकंड है, nth सेकंड, अगर दिमाग लगाओ तो ये nth सेकंड ही तो है, u0 a/2, इसको कांस्टेंट मान लो 2n-1, तो s nth इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1, तो रेशियो क्या बन गई, अब 5/9, समझ
समझ में आ गई? ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन है एक तीन चार पांच परिवेश, मैं चाहता हूं ये आप खुद कर, ठीक है जी। ऑल्दो 8 मिनट्स आर लेफ्ट, लेकिन हम आप पे एहसान कर रहे हैं, कल की क्लास वैसे तो रहनी चाहिए, बट आई विल सेंड द मैसेज टुमारो, बाय एंड गुड नाइट। आई विल ट्राई टू अपलोड द असाइनमेंट इन शॉर्ट टाइम।